खबर उन्नाव से है, जहां श्री श्याम परिवार की ओर से रविवार को शहर में श्री खाटू श्याम की परंपरागत निशान यात्रा धूमधाम से निकाली गई। खाटू श्याम की महिमा का गुणगान करने और जयकारा लगाते हुए सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। रास्ते में कई जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत और पूजन किया गया। बाबा खाटू श्याम की शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई। शहर में श्याम भक्तों ने 700 निशान लेकर यात्रा में शामिल हुए। शहर के गांधीनगर स्थित माता दीन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांधीनगर छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा, आईबीपी चौराहा, हरदोई पुल, आवास विकास कॉलोनी होते हुए बाईपास स्थित मां अन्नपूर्णा देवी धाम में संपन्न हुई। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भक्त रास्ते पर नाचते घूमते चल रहे थे, गीत संगीत का भी दौर चल रहा था। श्याम के भजन पर सभी नृत्य कर रहे थे। इस संबंध में बातचीत करने पर श्याम परिवार के अध्यक्ष राजेंद्र जौहरी ने बताया कि खाटू श्याम की ये यात्रा निकाली जा रही है। फागुन माह की एकादशी को खाटू में खाटू श्याम की स्थापना हुई थी। ये यात्रा हमारी अष्टम है, बाबा की अष्टम निशान यात्रा है। ये 8 सालों से लगातार हर वर्ष फागुन में निकाली जाती है। सभी श्याम प्रेमी इसमें झूम करके बाबा को निशान चढ़ाते हैं। जिसकी जो अरदास हो वो बाबा से करता है निशान के थ्रू, और हम लोग खुद भाव से और हर तरीके के गुलाल से, राधा कृष्ण की झांकियों से, और हमारी यात्रा हर साल विशाल से विशाल होती जा रही है। पिछली साल हमारी यात्राओं में 500 निशान चढ़े थे, इस साल हमारी यात्रा में 700 निशान चढ़े हैं। ये हमारी आस्था का विषय है। हमारे अष्टम निशान यात्रा में बहुत सारे भाव होते हैं, हर भक्त अपने क्या कहते हैं बाबा से अपनी प्रीत लेकर के आता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।